नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 15 दिसंबर 2017। स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। इस वीडियो में हम हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्रंट पेज पे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से संबंधित न्यूज है। दो दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल सौंपा था सुप्रीम कोर्ट को। किस लिए? अभी फिलहाल 1581 यानी 1581 जो क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है हमारे देश में एमपीज या एमएलएस के अगेंस्ट में, उन क्रिमिनल केसेस का जल्द से जल्द निपटारा करने के लिए, उन केसेस को सोल्व करने के लिए ये प्रपोजल दिया था सेंट्रल ने सुप्रीम कोर्ट को। क्या था इस प्रपोजल में? इस प्रपोजल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि हम 12 नई स्पेशल कोर्ट्स एस्टैब्लिश करेंगे और इसके लिए 8 करोड़ रुपए दिए जाएंगे स्टेट्स को। स्टेट्स हाईकोर्ट से कंसल्टेशन के बाद में, जो भी कंसर्न हाईकोर्ट्स हैं उनसे कंसल्टेशन के बाद में 1 मार्च 2018 से पहले पहले उन स्पेशल कोर्ट्स को ऑपरेशनलाइज करेगी। तो ये प्रपोजल था। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के इस प्रपोजल को स्वीकार कर लिया है, तो जल्द ही 12 नई स्पेशल कोर्ट्स एस्टैब्लिश की जाएंगी। अगला आर्टिकल पिंक बोलवर्म के बारे में है। पिंक बोलवर्म एक तरह का इंसेक्ट है जो कि कपास यानी कॉटन की फसल को नुकसान पहुंचाता है। अभी क्या कंटेक्स्ट है? पंजाब एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के द्वारा वार्निंग दी गई है किसानों को कि आप अपनी जो कपास की फसल है, कॉटन की जो क्रॉप है, वहां से कॉटन को आप जल्दी से पिक कर लीजिए, अदरवाइज अटैक हो सकता है पिंक बोलवर्म का, क्योंकि महाराष्ट्र और साउथ इंडिया के कुछ इलाकों में इस इंसेक्ट ने अटैक किया है कॉटन की फसल पे। ये एक इन्वेसिव स्पीसीज है, पिंक बोलवर्म जो है वो एक इन्वेसिव स्पीसीज है। देखो, वैसे तो आज 15 दिसंबर हो गई तो कॉटन जो है ऑलमोस्ट पिक कर ली गई है किसानों के द्वारा, लेकिन कुछ किसान कॉटन को चुगने के बाद में जो ये पौधे होते हैं इनको नहीं काटते। तो साइंटिस्ट का कहना है कि खड़े जो पौधे हैं कपास को चुगने के बाद, वहां पे भी पिंक बोलवर्म का अटैक हो सकता है, जो कि खतरनाक साबित हो सकता है फसलों के लिए, क्योंकि अब गेहूं के बीज बोना भी स्टार्ट कर देंगे किसान, रबी की फसल जो है उनके लिए बीज बोना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए पिंक बोलवर्म से सावधान रहने की आवश्यकता है। यूपीएससी पूछ सकती है कि पिंक बोलवर्म जो है वो कौन सी फसल को नुकसान पहुंचाता है, तो कॉटन, ये जरूर याद रखिएगा। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के बारे में है। किसने जारी किया है ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट? फेमस इकोनॉमिस्ट्स हैं जैसे थॉमस पिकेटी और लुकास चैंसल, इन्होंने मिलकर ये रिपोर्ट पब्लिश की है जिसका नाम है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारे देश में इनइक्वालिटीज 1980 के बजाय लगातार बढ़ रही है। 2014 में नेशनल इनकम में जो टॉप अर्नर्स हैं, 1% जो टॉप अर्नर्स हैं उनका नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन 22%, और जबकि टॉप 10% अर्नर्स का, टॉप 10% लोग जो सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, नेशनल इनकम में उनका कंट्रीब्यूशन 56% के आसपास। तो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है, असमानताएं जो है पैसों को लेके, इनकम को लेके, वो हमारे देश में लगातार बढ़ रही है, ऐसा कहना है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट का। रिपोर्ट के बारे में आप याद रखना किसने पब्लिश की है, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपीएससी आमतौर पर यह नहीं पूछती कि इस रिपोर्ट में बताइए कितनी इनइक्वालिटीज कम हो गई, ज्यादा हो गई, नहीं। बस मेंस में कई बार इस छोटे मोटे ये फैक्ट्स जो है वो वैल्यू एडिशन के काम आ जाते हैं। प्री के लिए तो सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट होता है कि रिपोर्ट पब्लिश किसने की है। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल इंडिया मालदीव रिलेशंस के बारे में है। क्या कंटेक्स्ट है? अभी मालदीव में अब्दुल्ला यमीन प्रेसिडेंट है, तो इनकी सरकार ने 3 लोकल काउंसलर्स को सस्पेंड कर दिया। क्यों? क्योंकि उन 3 लोकल काउंसलर्स ने मुलाकात की थी मालदीव में जो इंडिया के एम्बेसडर हैं अखिलेश मिश्रा, उनसे। तो डेफिनेटली ये बात इंडिया को अच्छी नहीं लगेगी। इवन कुछ दिन पहले मालदीव ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था चाइना के साथ। तो कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अभी मालदीव में जो अब्दुल्ला यमीन की जो गवर्नमेंट है वो चाइना के प्रेशर में काम कर रही है। उसका एक रीजन ये भी है कि देखो, जो अब्दुल्ला यमीन है वो मालदीव में एक डिक्टेटर की तरह काम कर रहे हैं, पावर्स को अपने हाथों में सेंट्रलाइज कर रहे हैं। इवन जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे, जैसे जुडिशरी को उन्होंने सबवर्ट किया है, अपने लॉयलिस्ट को वहां पे जजेस बना के रखा है, इवन इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने सबवर्ट करके रखा है। और जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है मालदीव के मोहम्मद नसीद, वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। तो इंडिया पे आरोप ये लगता है कि इंडिया अभी सपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद नसीद को, जो अभी सत्ता में नहीं है मालदीव में। तो अभी जो पार्टी सत्ता में है, यानी जो प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला यमीन, उनको ये बात अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो धीरे धीरे चाइना के खेमे में जा रहे हैं और चाइना के प्रेशर तले काम कर रही हैं। तो ये पूरा मामला है मालदीव की। देखो, जो लोकेशन है वो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए काफी अहम है। इंडियन ओशियन में है मालदीव, तो सी लेंस जो है वो कम्युनिकेशन की यहां से गुजरती हैं, और कहीं ना कहीं मालदीव का चाइना के खेमे में जाना, इस प्रकार से चाइना के प्रेशर तले काम करना, इंडिया के लिए डेफिनेटली कंसर्न्स की बात है। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल संकल्प स्कीम के बारे में है। फुल फॉर्म क्या है संकल्प स्कीम की? स्किल्स एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। किस लिए है ये संकल्प स्कीम?
हमारे देश में 3.5 करोड़ युवा लोगों को मार्केट के हिसाब से रेलेवेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, उनको स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए, ताकि ये युवा लोग रोजगार हासिल कर सकें, इसलिए है संकल्प स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि चलाई जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा, और वर्ल्ड बैंक लोन असिस्टेंस देगा, याद रखिएगा। देखो, हमारे देश में ऑलरेडी मिशन चल रहा है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, जो कि 2015 में स्टार्ट हुआ था, और इस मिशन के अंतर्गत काफी सारे सब मिशंस भी चल रहे हैं। तो ये जो नई स्कीम चलाई गई है संकल्प स्कीम, ये नई स्कीम ऑलरेडी जो स्कीम्स चल रही हैं स्किल रिलेटेड, उन स्कीम्स को स्ट्रेंथन करेगा, इम्पेटस प्रोवाइड करेगा उन ऑलरेडी चल रही स्कीम्स को। और इसके लिए सरकार एक नेशनल बॉडी भी सेटअप करेगी, नाम होगा वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये नई बॉडी का नाम होगा जो कि सरकार सेटअप करेगी, ताकि देखो वोकेशनल ट्रेनिंग जो भी दी जाती है हमारे देश में, काफी सारे मिशन चल रहे हैं, तो उन सभी मिशन को यूनिफाई किया जाए, यूनिफॉर्मिटी में लाया जाए। तो ये जो बॉडी सरकार बनाएगी इस स्कीम के अंतर्गत में, वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये जो बॉडी है वो वोकेशनल ट्रेनिंग को मान्यता देगी, एक्रेडिशन देगी, ताकि वोकेशनल ट्रेनिंग में हमारे देश में यूनिफॉर्मिटी लाई जा सके, समझ गए। और ये जो स्कीम है संकल्प स्कीम, मेक इन इंडिया, स्वच्छता अभियान, इन सब चीजों के साथ में भी अलाइन करेगी। तो ये पूरा आर्टिकल था संकल्प स्कीम के बारे में, चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल ब्यूनस आयरस डिक्लेरेशन ऑन वुमन एंड ट्रेड से संबंधित है। WTO का समिट अभी हाल ही में खत्म हुआ है अर्जेंटीना के शहर ब्यूनस आयरस में, तो वहां पे ये ब्यूनस आयरस डिक्लेरेशन ऑन वुमन एंड ट्रेड को 118 मेंबर कंट्रीज ने एंडोर्स किया। क्या है ये डिक्लेरेशन? ये डिक्लेरेशन कहती है कि जो मेंबर कंट्रीज हैं जिन्होंने इस डिक्लेरेशन को इंडोर्स किया है, वो कलेक्टिव रूप से प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वुमन का पार्टिसिपेशन हो ट्रेड में। और सारे कंट्रीज ने ये भी कहा कि हम जो भी बाधाएं हैं, जो बाधाएं वुमन को रोकती हैं ट्रेड में पार्टिसिपेट करने से, उन बाधाओं को हम रिमूव करेंगे। तो UPSC इस प्रकार से पूछ सकती है कि ब्यूनस आयरस डिक्लेरेशन ऑन वुमन एंड ट्रेड किस बारे में है, या फिर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, WTO से संबंधित है, और वुमन का ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट इंश्योर करने के लिए है, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। आगे PIB है, देख लेते हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आज कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है। इंडिया BPO प्रमोशन स्कीम, सरकार प्लान कर रही है IBPS स्कीम के लिए। क्या होगा इस स्कीम में? अगर कोई कंपनी ग्रामीण इलाकों में, रूरल एरियाज में अपना BPO इस्टैब्लिश करती है, मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, BPO अगर ग्रामीण इलाकों में इस्टैब्लिश किए जाते हैं, तो उन कंपनीज को स्पेशल इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। अब देखो क्या मकसद है सरकार का? सरकार का ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर ग्रामीण इलाकों में BPOs इस्टैब्लिश किए जाएंगे, तो वहां पे जो ग्रामीण युवा लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा, और वो शहरों में माइग्रेट नहीं करेंगे। तो इसीलिए सरकार ये स्कीम चलाएगी, ताकि उन कंपनीज को इंसेंटिव दिया जा सके जो BPO ग्रामीण इलाकों में इस्टैब्लिश करेंगी। BPO होता क्या है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। मान लेते हैं कोई कंपनी, जैसे मारुति का एग्जांपल हम ले लेते हैं, मारुति में 1000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। अगर देखो मारुति उन एम्प्लॉयज के लिए सैलरी तैयार करना, पेरोल, अकाउंट इंफॉर्मेशन, PF, ये सब जो चीजें हैं खुद करने की बजाय, अगर मारुति ये सब काम किसी दूसरी कंपनी को सौंप देती है कि आप हमारे एम्प्लॉयज का जो अकाउंट रिलेटेड जो डेटा है वो मेंटेन कीजिए, तो ये आउटसोर्सिंग है। यानी मारुति ये सब काम खुद करने के बजाय, जो एक स्पेसिफिक फंक्शन है, वो किसी दूसरी कंपनी को सौंप रही है, किसी दूसरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, तो ये आउटसोर्सिंग है। तो इसीलिए सरकार चाहती है कि जो ये BPO है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, वो ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण इलाकों में इस्टैब्लिश हों। तो ये पूरा आर्टिकल था, चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट से संबंधित है। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की जाती है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट। एडिटोरियल की वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था इसके बारे में। आपको ये बताना है कि जब देखो IFPRI ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जारी करता है, तो किन किन क्राइटेरियाज को ध्यान में रखता है, किन किन इंडिकेटर्स को ध्यान में रख के ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। पहला ऑप्शन अंडर नरिशमेंट, दूसरा चाइल्ड स्टंटिंग, तीसरा चाइल्ड मोर्टेलिटी। आसान क्वेश्चन है, अगर आपने वो आर्टिकल सुना होगा तो आसानी से अभी तक आपने मन में सोच लिया होगा। इसका आंसर सी है, तीनों सही हैं। पहला है कि अंडर नरिशमेंट, मतलब कितने परसेंट जो पॉपुलेशन है वो अंडर नरिश है। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब यह होता है कि एज के हिसाब से हाइट नहीं बढ़ पाना। और तीसरे नंबर पे चाइल्ड मोर्टेलिटी, मतलब कितने परसेंट बच्चों की मौत हो जाती है 5 साल की एज अचीव करने से पहले ही। और चौथा इंडिकेटर बताइए आप, चौथा इंडिकेटर कौन सा था? चौथा इंडिकेटर था चाइल्ड वेस्टिंग, मतलब हाइट के हिसाब से वेट ना बढ़ पाना। तो ये चार इंडिकेटर्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट तैयार की जाती है। एक और क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए OPCW के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। सबसे पहला ऑप्शन है, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन की, जो कि नाटो और WHO के साथ मिलकर काम करती है। दूसरा ऑप्शन है,
क्या ये मॉनिटर करती है केमिकल इंडस्ट्री को ताकि नए केमिकल वेपन्स को इमर्ज होने से रोका जा सके? तीसरा ऑप्शन है, क्या ये असिस्टेंस यानी मदद करती है उन स्टेट्स को जिनको खतरा है केमिकल वेपन्स से? तो तीन ऑप्शंस हैं, सोच लिया होगा अभी तक आपने, तो बताइए क्या सोचा आपने? पहला ऑप्शन सही है या गलत है? क्या ये यूरोपियन यूनियन की ऑर्गेनाइजेशन है? बिल्कुल ठीक सोचा आपने, पहला ऑप्शन गलत है पूरी तरह से। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है OPCW, जो कि केमिकल वेपन्स को प्रोहिबिट करती है, और 1997 में इसे बनाया गया था। फिलहाल मेंबर्स हैं 192, हेडक्वार्टर है हेग नीदरलैंड में। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है OPCW के बारे में। 2013 में नोबेल पुरस्कार मिला था पीस के लिए, इसलिए सुर्खियों में थी ये ऑर्गेनाइजेशन और UPSC ने क्वेश्चन पूछा था। पहला ऑप्शन गलत होता ही आंसर आ जाता है इस क्वेश्चन का, क्योंकि वन तो तीन ऑप्शंस में है, बी को छोड़ के, ये भी गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा, मॉनिटर तो करती ही है, इसके साथ साथ असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है उन स्टेट्स को जिनको खतरा होता है केमिकल वेपन्स से। तो ये क्वेश्चन था। शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया, सुप्रीम कोर्ट ने 12 स्पेशल कोर्ट्स को अपनी अनुमति दे दी है ताकि 1581 जो क्रिमिनल केसेस हैं उनको जल्द से जल्द निपटाया जाए। पिंक बोलवॉर्म के बारे में हमने डिस्कस किया, उसके बाद वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के बारे में हमने डिस्कस किया, मालदीव इंडिया रिलेशंस के बारे में हमने डिस्कस किया, संकल्प स्कीम के बारे में हमने चर्चा की, ब्यूनस आयर्स डिक्लेरेशन ऑन वुमेन एंड ट्रेड के बारे में हमने चर्चा की, उसके बाद PIB में हमने डिस्कस किया इंडिया BPO प्रमोशन स्कीम्स, क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए। तो आज के डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।